माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जो पूछा था, मंत्री जी ने उसको स्वीकार किया और स्वीकार करके उस पर नीचे के अधिकारी के ऊपर में कार्रवाई किए हैं, उनको निलंबित किया गया है। मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, ये जो भुगतान है और भुगतान के पूर्व उसका निरीक्षण करने का, लेखा देखने का, ये जवाबदारी किस अधिकारी के है? माननीय अध्यक्ष महोदय, परिक्षेत्र अधिकारी के अंतर्गत ही सब कार्य होते हैं जी। नहीं, किस अधिकारी का है पूछा मैं? परिक्षेत्र अधिकारी रेंजर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी, ये जो अंतिम भुगतान है और आपके जो फॉरेस्ट के जो नियम है उसके अनुसार से नीचे के अधिकारी का नहीं है, अंतिम जो है वो अंतिम है कि भुगतान के पूर्व वन मंडलाधिकारी समस्त कार्यों का माप करे अथवा निरीक्षण करे, सही भुगतान का अंतिम उत्तरदायित्व वन मंडलाधिकारी का होगा। ये आपके छत्तीसगढ़ वन वित्तीय नियम के खंड एक के नियम चार के उपनियम छह में है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें जो लापरवाही बरती गई डीएफओ के द्वारा और जिसके कारण में पूरे जो घटना घटित क्रम हुआ, तो इसके लिए आप डीएफओ के ऊपर में क्या कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जांच की कार्रवाई संपन्न हुई है और जांच की कार्रवाई में जिनके जिनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है और जो दोषी पाए गए हैं उनके नाम हैं श्री विजय कुमार साहू वन क्षेत्रपाल, श्री सेवक राम बैगा वन क्षेत्रपाल, श्री मोहम्मद समीन वनपाल, श्री हित कुमार ध्रुव वन रक्षक, श्री मुलेश कुमार जोशी वन रक्षक, ये सारे लोगों को पहले निलंबित किया जा चुका है। इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ किसको निलंबित किए, कब निलंबित किए, वो प्रश्न मेरा नहीं है। प्रश्न ये है कि इसके लिए जो जवाबदार अधिकारी कौन है, तो आपने बता दिया। मैंने आपके जो फॉरेस्ट के नियम है उसको बता दिया, संहिता पढ़ के बता दिया। और इसके अंतर और आज के ही प्रश्न है, माननीय सदस्य धर्मजीत के प्रश्न में आपने उसमें भी स्वीकार किया है कि उसके लिए जो अंतिम जो अधिकारी डीएफओ है। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि जो जितना घटनाक्रम हुआ और जो दोषी पाए गए, अंतिम भुगतान जो होने के पूर्व डीएफओ का काम है उसको चेक करना, उसका निरीक्षण करना, मौके पर जाना। लेकिन आपके डीएफओ ने जो नेग्लिजेंसी बरती है और इसके कारण में सारी घटनाक्रम हुआ, तो मैं मांग करता हूं कि डीएफओ को आप सस्पेंड करें और सस्पेंड करने के बाद में फिर आगे की प्रक्रिया के उसमें। माननीय अध्यक्ष महोदय, वन मंडल अधिकारी के द्वारा क्योंकि कार्य बहुत ज्यादा होता है तो सभी कार्यों का निरीक्षण नहीं होता। नीचे के अधिकारी अपने स्तर पर जो काम करते हैं तो उसके स्तर पर जो भी बिल वाउचर वगैरह जाता है अंतिम भुगतान के लिए डीएफओ के पास जाएगा, उसको अंतिम करेगा। लेकिन अब डीएफओ की भूमिका क्या है, उसकी भी कोई गलती है तो आप यदि बोल रहे हैं तो मैं दिखवा लेता हूं उसको। नहीं, दिखवाने का नहीं है, एक तो अभी तक भुगतान नहीं हुआ उसको। दिखवाने का मतलब जांच कराना है। नहीं, अच्छा ठीक है, दिखवाने का मतलब जांच कराना है। दिखवाने का मतलब जांच करा लेंगे, अगर दोषी पाए गए तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी, क्या दिक्कत? दूसरा मेरा प्रश्न ये है, अब छोड़िए ना, हो गया। एक अंतिम प्रश्न, सस्पेंड तो हो जाएगा, भुगतान नहीं हुआ है, एक डीजल का है उसमें, उसमें आपके जांच में आया है। अरे बड़ी मुश्किल से मुख्यमंत्री जी का प्रश्न लगता है, बोरा जी बैठे हैं, उनको ध्यान दे दिए। तो केवल एक ही प्रश्न तो लगा है अध्यक्ष महोदय, बड़े मुश्किल से ही लगता है। तो एक तो जो डीजल का पेमेंट नहीं हुआ है, दूसरा जो जांच में पाया गया है कि उसके जो प्रमाणक है उस प्रमाणक को इन्होंने उपेंद्र सिंह को भुगतान ना करके उनके जो लेबर है उसमें दूसरे को भुगतान हुआ और ये आपके जांच में आया है, तो ये जो लंबित प्रक्रिया है उसके भुगतान की, इसको आप कब तक करवा देंगे? जल्दी से जल्दी इसमें भुगतान करवा देंगे। आप 1 महीना बोले, 2 महीना बोले, 3 महीना बोले, कोई दिक्कत नहीं, यथाशीघ्र। आप यथाशीघ्र पर भी भरोसा करो। अरे कोई तारीख, मैं बोला 3 महीना आप बता दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 महीना बोल दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें तारीख कोई भी बता दे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज कर दीजिए, आप तारीख बता दीजिए कब करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, भुगतान से संबंधित जो मामला है जिससे वसूल किया जाना है, तो प्रारंभिक जांच में तो ये पता लग गया कि इसे वसूल किया जाना है, लेकिन उसकी विभागीय जांच चल रही है,
तो इसके कारण अब कितना समय लगेगा, तीन लोगों का तो कल ही उसमें सुनवाई होना है, तो इसलिए यथाशीघ्र इसको मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। यथाशीघ्र मत बोलो मंत्री जी, कोई भी तारीख बता दो आप। आपने उनको बहाल कर दिया, दो महीना में बहाल कर दिया आपने। मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप यहाँ विधानसभा में उसको घोषित किए, सस्पेंड किए, और सस्पेंड करने के बाद में बाहर जाके आपने बहाल कर दिया। क्या इमरजेंसी थी मुझे नहीं मालूम, मैं उस विषय में जाना भी नहीं चाहता। चलिए छोड़िए, वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसको कब तक कर देंगे, सुनिश्चित कर देंगे ये ठीक रहेगा? आप सुनिश्चित कर दें, तीन महीना करें, दो महीना करें, छह महीने में। चलिए अरुण बोरा जी, छह महीना, मैं यही तो चाह रहा हूँ कि। चलिए धन्यवाद आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय,